बॉलीवुड एक्टर अरमान कोहली को ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार को मुंबई स्थित उनके घर से ड्रग्स मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई। एनसीबी ड्रग पेडलर्स से पूछताछ के बाद अरमान कोहली के बारे में ये पुख्ता जानकारी मिली थी, जिसके बाद एनसीबी ने अरमान कोहली के घर छापेमारी की। एक्टर अरमान कोहली करीब 17 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। इसके साथ ही वो बिग बॉस में भी जा चुके हैं। ये पहली बार नहीं है जब अरमान कोहली को गिरफ्तार किया गया है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो साल 2018 में एक्साइज डिपार्टमेंट ने इन्हें गिरफ्तार किया था। दरअसल उस समय इनके घर से काफी मात्रा में शराब पकड़ी गई थी। फिल्म एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय हालत में हुई मौत के बाद कई बॉलीवुड सितारे एनसीबी के रडार पर हैं। एनसीबी बॉलीवुड के कई टॉप सितारों से भी सुशांत केस के बाद कड़ी पूछताछ कर चुकी है। उसके बाद से ही बॉलीवुड के कुछ सितारों के ड्रग्स नेटवर्क पर काफी खुलासे हो रहे हैं। अब तक फिल्म इंडस्ट्री के 10 से ज्यादा एक्टर और एक्ट्रेसेस से ड्रग्स मामले में पूछताछ की जा चुकी है। कई पर एक्शन भी लिया गया है। जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों अभिनेता गौरव दीक्षित को भी ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया गया था। इनके अलावा ड्रग पेडलर अजय राजू से भी पूछताछ हुई थी। इन लोगों से पूछताछ के बाद ही अरमान कोहली के बारे में जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर एनसीबी ने अरमान कोहली को गिरफ्तार किया है। अरमान कोहली की बॉलीवुड फिल्मों ने भले ही उतनी सुर्खियां ना बटोरी हो, लेकिन उनके विवाद सुर्खियों में छाए रहते हैं।